हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बलात्कार और फांसी की सजा पर देश को झूठ बोला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बयान पर आधारित एक ट्वीट के कारण गुरुवार और शुक्रवार को काफी ट्रोल किया जा रहा है और लोग उन्हें झूठा भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर किया जा चुका यह ट्वीट समाचार एजेंसी ANI का है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात में सूरत शहर में आयोजित अपनी रैली में कहा कि देश में रेप की घटनाएं पहले भी होती थी, यह शर्म की बात है और हम इस घटनाओं के बारे में अब भी सुनते हैं। लेकिन अब आरोपियों को 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन और 1 महीने के अंदर फांसी पर लटका दिया जाता है। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं और इसके नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सिंगर विशाल डडलानी, कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद समेत कई अन्य बड़े नेताओं ने और नामी पत्रकारों ने इस ट्वीट को रीट्वीट करके पीएम मोदी की समझ और उनकी जानकारी पर सवाल उठाए हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स जो अपने आप को परिचय देते हैं मोदी विरोधी के तौर पर, उन्होंने पीएम मोदी के भाषण का छोटा वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन और 1 महीने में फांसी कहते हुए सुना जा रहा है। लेकिन अपनी पड़ताल में हमने पाया कि सभी दावे गलत हैं, क्योंकि समाचार एजेंसी ने पीएम मोदी के हिंदी में दिए गए भाषण को सुनकर जो ट्वीट किया उसमें ट्रांसलेशन की गलती है। दरअसल सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे, समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी यह घटना सुनने को मिलती है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है, लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर भी चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी उतनी बलात्कार की वृत्ति लेकर के बैठे हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। अपनी भाषण में पूरा वीडियो YouTube पर देखा जा सकता है जिसे सुनकर समझ आता है कि पीएम मोदी बलात्कार के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी सुनाने के लिए जो बात बता रहे हैं उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की नहीं है। वैसे भी यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है कि बलात्कार के किसी मामले में भारत में आखिरी बार फांसी 2004 में पश्चिम बंगाल के धनंजय चटर्जी ने दी थी। कोलकाता में एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मुजरिम धनंजय चटर्जी को 14 अगस्त 2004 को अलीपुर सेंट्रल जेल के तड़के 4:30 बजे फांसी पर लटका दिया गया है। लेकिन पीएम मोदी का यह बयान कहना कि उनके कार्यालय में चीजें बदलती हैं, हालात बदल रहे हैं और अब बलात्कार के आरोपियों को 3, 7 और 11 दिन और 1 महीने के बाद फांसी की सजा हो जाती है, कितना सही है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।